द लास्ट लेसन वी स्टडीड वॉट इज अर इक्वेशन लिनियर इक्वेशन देखा और आप लोग छोटे स्टैंडर्ड्स में स्टैंडर्ड तो में आपने पोलिनोम भी देखे हैं यानी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सॉरी एक अल्जिब्रेक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर भी होता है वेरिएबल्स भी होता है अल्फाबेट और उसको अगर एक ही टर्म है तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं ये पढ़ के हो चुका हुआ है दो टर्म है तो बाइनोमियल बोलते हैं थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल कहते हैं और थ्री से ज्यादा टर्म्स है तो उसे पोलिनोमियल और वन टर्म वाले को भी पोलिनोमियल बोलते हैं लेकिन उसका स्पेसिफिक नेम मोनोमियल है टू टेम्... टू टर्म्स वाले को भी पोलिनोमियल बोलते हैं लेकिन उसको सेपरेट दिया गया हुआ नाम है बाइनोमियल इसी तरह थ्री टर्म्स वाले भी पोलिनोमियल ही होता है लेकिन उसका भी स्पेसिफिक नेम ट्राइनोमियल है तो इसी तरह बहुत सारे पोलिनोमियल हमने सेवन एथ स्टैंडर्ड में स्टडी किए हैं और इवन नाइन्थ में भी तो यहां पर हमने लीनियर इक्वेशन पहले देखा तो यहां पर मैं क्या बताने जा रही हूं दो कंपैरिजन पोलिनोम जो पोलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल है आप ये समझते हो एक वेरिएबल मतलब एक ही एक अल्फाबेट हो पूरे इक्वेशन के अंदर पूरे पोलिनोमियल के अंदर एक ही एक अल्फाबेट हो जैसे कि टू एक्स प्लस थ्री एक ही अल्फाबेट हुआ फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू वहां पर भी एक्स स्क्वायर भले है लेकिन अल्फाबेट एक्स के अलावा कोई अल्फाबेट नहीं है ये बी सी डी जेड तक में से कोई भी अल्फाबेट उसमें किसी में भी नहीं है एक ही है एक के अलावा नहीं है एक तो एक्स रहेगा एक इक्वेशन में या एक पोलिनोमियल में या फिर वाई रहेगा या ए रहेगा बी रहेगा कोई भी एक अल्फाबेट पूरे पोलिनोमियल में रहेगा तो हम बोलते हैं उसको वन वेरिएबल है और वन वेरिएबल हैविंग डिग्री टू इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कोई भी एक पोलिनोम पोलिनोम एक पोलिनोमियल आपको यहाँ पे मैं लिखकर दिखाती हूँ ये देखो तीन एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया पहला वाला है सेवन एक्स एक पोलिनोम है ये सेकंड वाला भी एक पोलिनोमियल है फाइव एक्स प्लस थ्री थर्ड वाला भी एक पोलिनोमियल है फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है दिस इज अ मोनोमियल यहाँ पर दो टर्म्स है दैट इज इट्स अ बाइनोमियल इट्स अ बाइनोमियल एंड वन टू थ्री टर्म्स सो इट इज अ ट्राइनोमियल इट्स अ ट्राइनोमियल बट ऑल दीज आर टूगेदर कॉल्ड पोलिनोमियल इन सभी को पोलिनोमियल बोल सकते हैं ओके यहां पर सब एक ही वेरिएबल है एक्स है या फिर यहां पर कोई भी एक और बना देते फोर्थ वन सेवन वाई प्लस टू इजिकल टू जीरो यहां पर भी एक ही एक वेरिएबल है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है लेकिन वेरिएबल तो अलग नहीं है सेम ही है ना एक्स है ना दोनों जगह ऊपर का पावर से फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल सेम होना चाहिए तो ये था डिफरेंट काइंड ऑफ पोलिनोमियल इसमें ये वाला पोलिनोमियल को आप ध्यान दो इसके अंदर एक्स के ऊपर क्या है वन जब नंबर ऊपर नहीं दिया जाता तो वो पावर वन होता है यहाँ पर टू ये पूरे पोलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है टू इसलिए बोलता है इस पोलिनोमियल का डिग्री टू है तभी कहते हैं इसका डिग्री टू है और इस पोलिनोमल का डिग्री आप बता सकते हैं कितना है वन है उसके अलावा बड़ा ज्यादा है नहीं उससे बड़ा नहीं है तो इस पोलिनोमल का डिग्री हो गया वन तो ये एक क्वाडर सॉरी एक लिनियर पोलिनोमियल हो गया क्या हुआ लिनियर पोलिनोम क्योंकि डिग्री वन है और ये भी देखो यहां पर भी डिग्री वन है तो ये भी एक लिनियर पोलिनोमियल हुआ पर ये जो फोर थर्ड वाले हैं उसमें फोर एक्स स्क्वायर यहां पे टू आया डिग्री सबसे बड़ा पावर को डिग्री कहते हैं तो सबसे ज्यादा टू आया ऊपर एक्स के ऊपर वेरिएबल के ऊपर तो इसका डिग्री टू है तो ये कौन सा वाला हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ समझ सकते हैं अभी जिसका डिग्री जो पोलिनोमियल का डिग्री टू होगा उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं यहां पर फोर्थ वाले इक्वेशन में देखो वाई के ऊपर वन है यानी इसका डिग्री वन है तो एक लिनियर पोलिनोमियल हुआ ओके तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमें स्टडी करना है तो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो देखा अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है एक जगह में वर्ड पोलिनोमियल है दूसरे जगह में इक्वेशन है इक्वेशन लिखने के लिए एक इक्वल्स की जरूरत है एक इक्वल साइन की जरूरत है तब जाकर वो इक्वेशन बनेगा इक्वल इज इक्वल टू समथिंग ऐसा लिखेंगे तो ही वो इक्वेशन बनता है तो द इक्वेशन ऑप्टेंड बाई टेकिंग अ वैल्यू ऑफ टेकिंग द वैल्यू ऑफ क्वाट्रेटिक पोलिनोम जीरो इज कॉल्ड क्वाट्रेटिक इक्वेशन अभी मैंने एक क्वाट्रेटिक इक्वेशन आपको लिखकर दिखाई थी एक क्वाट्रेटिक पोलिनोमियल मैंने आपको लिखा लिखे दिया तो ये क्वाट्रेटिक पोलिनोम क्योंकि इसका डिग्री टू है अगर इसी में मैंने एक इक्वल डाल दिया डालकर एक जीरो डाला जीरो कंपल्सरी ओके अगर इसीक्वल टू जीरो डाल दिया यानी वो क्वाट्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू को मैंने क्या माना जीरो माना देन दिस दिस थिंग कैन बी कॉल्ड एस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्क है समझ में आया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इक्वल्स जीरो या इसिकल टू समथिंग नहीं लिखता और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसिकल टू जीरो कंपल्सरीली लिखते हैं ओके okay. यहां पर चार एग्जाम्पल्स दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस फाइव फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सॉरी इक्वल जीरो थ्री एक्सक्वायर प्लस फाइव इक्वल जीरो सेवन एक्स स्क्वायर सिर्फ इतना लिखा इक्कल टू जीरो डाला तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि डिग्री कितना होता है टू होता है यहाँ पर भी डिग्री क्या है टू है वेरिएबल कितने हैं एक ही वेरिएबल है एक ही, ही किस्म के वेरिएबल है यहाँ पर वेरिएबल एक ही है तो डिग्री टू भी है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना यहाँ पर भी देखो वेरिएबल सिंगल है एक्स अकेला ही है और उसका डिग्री टू है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना यहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक एक वेरिएबल और डिग्री टू ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि सिंगल वेरिएबल दोनों जगह में एक्स ही है और डिग्री टू सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ऑल्सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज वेरिएबल इज सिंगल एंड डिग्री इज टू ओके नाउ लेट्स सी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरह हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स हमने देखा था लास्ट लेसन में फर्स्ट जो लेसन हमने किए थे उसमें लीनियर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म हमने स्टडी किए थे तो इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्सक्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो जिस तरह ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको ये एक देखो एक्सक्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर सिक्वल टू जीरो लिखा है एक्सक्वायर इसका नंबर क्या है यहां पे वन तो वन को मैंने ए माना और फाइव को बी माना और माइनस फोर को सी माना ओके okay, तो इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है ये आपको अच्छे से बायार्ट करना पड़ेगा यहां पर ए जो है वो कभी जीरो वैल्यू नहीं होना चाहिए अगर ए जीरो हो गया तो क्या होगा आपका ये पूरा ही जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर पूरा एक्सक्वायर का कंप्लीट वैल्यू अगर जीरो बन गया तो इक्वेशन में एक्सक्वायर का टर्म ही नहीं रहेगा कहां से चल रहेगा बी एक्स प्लस टू जीरो समझ में आ रहा है अगर समझो मैंने आपको ऐसा एक एक्साम्पल क्वाड्रेटिक दिया है अगर मैंने आपको दिया जीरो एक्सक्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू इजिकल टू जीरो दिया तो एक्सक्वायर का टर्म है ही कहा वो जीरो बन गया तो दिस टर्म इज कैंसल्ड तो हमारा इक्वेशन यहां से बनेगा यहां से बनेंगे तो ऊपर डिग्री क्या है वन है तो वन डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहा जाता ना तो इसके लिए यहां पर कंडीशन दिया हुआ है ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स बट ए इक्वल्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो नहीं होना है बी जीरो हो सकता है नो इश्यू सी भी जीरो हो सकता है नो no इश्यू okay? अभी क्या बोलते हैं बी को क्या बोलते हैं और सी को क्या बोलते हैं देखते हैं तीनों एक्चुअली एक्स का क्वेफिशनड है बी इधर नंबर आएगा यहां पर ए के जगह बी के जगह और सी के जगह कोई ना कोई, कोई रियल नंबर आएगा और सी जो टर्म है उसमें अल्फाबेट नहीं है तो इट इज द कॉन्स्टेंट ओके तो हम उसको भी एक बार डिटेल में देखते हैं फाइव एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इजिकल टू जीरो पर ए जो है ए का वैल्यू फाइव है ए be नॉट बी जीरो जीरो नहीं हो सकता बी का वैल्यू यहां पर माइनस थ्री है ओके okay, तो ये टर्म आ गया सी का वैल्यू यहां पर थ्री है तो बी का अगर जीरो होते हैं ये इक्वेशन में बी का वैल्यू ए और ये बी बी का वैल्यू जीरो होते हैं तो क्या बन जाता है ये इक्वेशन फाइव एक्स स्क्र माइनस जीरो एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो बन जाते है. बराबर तो उसको अगर जीरो का टर्म को हटा दिया तो क्या बन जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर ये निकल गया बाकी बचा प्लस थ्री ओके इक्वल्स जीरो और यहां पर माइनस जीरो कभी डालना नहीं है प्लस जीरो लिखना पड़ेगा क्योंकि जीरो कभी नेगेटिव नहीं होता तो हमारा इक्वेशन बन गया फाइव एक्स स्क्स थ्री इज इक्वल टू जीरो दिस ऑल्सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस इतना है कि उसके अंदर बी का जो टर्म था जीरो बन गया नो इश्यू ओके अगर सी अगर जीरो है तो हम क्या किस तरह लिखेंगे इक्वेशन को फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री के जगह में हम जीरो डालेंगे क्योंकि सी के जगह जीरो है तो ये क्या बन जाएगा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जीरो को छोड़ दिए इसल टू जीरो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है तो मे, मेरा कहने का मतलब है बी और सी यानी सेकंड वाले और थर्ड वाले जो नंबर्स है वो जीरो होने से कोई इश्यू नहीं है पर पहला वाला नंबर जिसमें स्क्वायर होता है स्क्वायर का टर्म होता है वो जीरो नहीं बन सकता ओके okay, और ए को क्या बोलते हैं ए इज अ क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक डिग्री है ना उसके अंदर टू डिग्री है उसका कोएफिशिएंट को क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट बोलते हैं इसका डिग्री कितना है इधर वन वन का डिग्री वाले वन डिग्री वाले जो कोएफिशिएंट है उसको लीनियर कोएफिशिएंट बोलते हैं यानी इज द लीनियर कोएफिशिएंट और जिसमें अल्फाबेट है नहीं उसको कांस्टेंट कहते हैं तो सी इज द कांस्टेंट टर्म अब हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया समझो सॉल्व करना यानी उसके अंदर का वेरिएबल का वैल्यू पहचानना ठीक है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसको पहचानना तो द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन विच सैटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट कर लिया उसके अंदर का वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो उस वेरिएबल के वैल्यू को कहते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो है आपको मैं डिटेल में एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद जब वो समय आएगा उससे रिलेटेड तब मैं आपको बताती हूँ ठीक है तो फिर भी एक और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे देती हूँ यहां पर एक एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इजिकल टू जीरो और मैं बोल रही हूँ एक्स का वैल्यू माइनस टू है एक्स का वैल्यू क्या है माइनस टू है लेटस चेक एक्स का वैल्यू माइनस टू डालकर एक्स की जगह माइनस टू ऊपर स्क्वायर यानी द होल स्क्वायर प्लस फाइव इधर इंडू होता है आपको पता है इंडू एक्स का वैल्यू माइनस टू ब्रैकेट डाला नेगेटिव इसलिए प्लस सिक्स इसल टू जीरो टू का स्क्वायर हो गया फोर नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होता है प्लस माइनस माइनस फाइव टू जैस टेन प्लस ये सिक्स जीरो है क्या चेक करना पड़ेगा जीरो मिलना चाहिए अगर नहीं है तो इसका एक्स का वैल्यू माइनस टू नहीं होगा फोर में से माइनस टेन फोर में से टेन गया सिक्स कौन से सिक्स बड़े का साइन माइनस प्लस सिक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स क्या हो जाता है जीरो तो बराबर है ना यानी ये जितने भी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो क्या मिला जीरो मिला एक्स के जगह में हम क्या यूज कर सकते हैं माइनस टू तब हम बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू माइनस टू डालने पर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है यानी इक्वेशन करेक्ट रहता है इसीलिए हम बोलेंगे माइनस टू इज द रूट ऑफ माइनस टू एक रूट है किसके ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समझ रहे हो जो अल्फाबेट का वैल्यू है अगर वो वैल्यू हमने डाला हुआ वैल्यू अगर इक्वेशन को सेटिसफाई करते हैं तो उस वैल्यू को इक्वेशन का रूट कहते हैं ये हम और और आगे जाकर डिटेल में पढ़ लेंगे ठीक है तो इतना रखकर इतना नॉलेज को मन में रखते हुए हम प्रैक्टिस प्रैक्टिसन करते राइट एन ए टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना है अभी मैंने तो यहाँ पर ये वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखकर दिखाया सो दिस आंसर आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस इज योर टर्न यू कैन राइट यू हैव टू राइट योर ओन आंसर इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन इसका आंसर का कोई लिमिट नहीं है हर किसी का अलग अलग इक्वेशन रहेगा तो आई ऑल्सो वॉन्ट डिफरेंट इक्वेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ओके आप जब लिखकर सेंड करोगे तो मैं उसमें चेक करूंगी मैंने लिखा हुआ इक्वेशन आपको नहीं लिखना है नाउ द नेक्स्ट वन इज डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे में कौन से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फर्स्ट वाला देखो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू इज टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या पहला देखो है? Yes. दोनों एक ही वेरिएबल है, है दोनों जगह अभी चेक करना इसका डिग्री टू है यहाँ पे वन है यहाँ पर टू है यहाँ पे डिग्री जीरो होता है जब एक्स नहीं है तो एक्स के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो वन हो गया उधर लेकिन वो पावर है डिग्री नहीं होता है हाइएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं और यहाँ पे देखो हाइएस्ट पावर टू है तो ये बराबर है सब कुछ फॉर्मेलिटी इसमें पूरा हो रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको डिस्क्राइब किस तरह करेंगे आंसर को लिखने के लिए हम इस तरह लिखेंगे हियर यानी पर या फिर यू कैन राइट इन दिस इक्वेशन इक्वेशन में एक्स इज द ओनली वेरिएबल एक्स एक अकेला वेरिएबल है एंड इट्स डिग्री इज टू और उसका डिग्री है टू यानी ये इक्वेशन का डिग्री है टू इसीलिए देर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए दिया हुआ इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी क्वेश्चन को हम और अलग तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं सेम क्वेश्चन एक्सक्वायर प्लस फाइव एक्स मतलब यहां पर मैंने और दिया यानी अभी जो डिस्क्राइब किया था वैसा भी आप आंसर लिख सकते हो ये जो डिस्क्राइब कर रही हूं वैसा भी लिख सकते माइनस टू इजिकल टू इक्वेशन वो एक इक्वेशन है इन द फॉर्म वो फॉर्मेट में कैसे ए एक्सक्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इधर माइनस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्मेट में तो प्लस लिखेंगे लेकिन इक्वेशन में माइनस कहीं भी आ सकता स्टार्टिंग टर्म में नहीं आ सकता ओके okay? स्क्वायर वाले में माइनस नहीं आ सकता बाकी में किधर भी माइनस आ सकता है तो एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में है दिया हुआ इक्वेशन इसीलिए इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा भी आप चाहे तो लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन को ना सेकेंड क्वेश्चन टू फाइव एक्स माइनस टेन अभी इक्वल इधर है इक्वल के लेफ्ट साइड में भी कुछ है राइट right साइड में भी कुछ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सब टर्म लेफ्ट में जाना चाहिए और राइट right में जीरो आना चाहिए तो इसे क्या करेंगे हम सब टर्म को लेफ्ट में ले जाएंगे और इक्वल इक्वल टू के बाद कोई भी टर्म नहीं रहेगा ताकि हम जीरो लिख पाए तो वाई स्क्वायर लेफ्ट में है इक्वल टू डाला सॉरी पहले हमने ये गिवन लिख दिया ये दिया हुआ इक्वेशन वैसे के वैसी लिखा देफो वाई स्क्वायर को लेफ्ट में ही रखा और राइट right साइड में से माइनस फाइव लेफ्ट में गया तो सॉरी प्लस वाई लेफ्ट में गया तो माइनस फाइव वाई और राइट साइड का माइनस टेन लेफ्ट में गया तो प्लस टेन और उसके बाद इसी कल टू डाला ये दोनों लेफ्ट में चले गए राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा तो वी कैन राइट जीरो हमारा इक्वेशन इस तरह बना अभी इसे आप चेक करो कितना वेरिएबल है एक ही एक वेरिएबल है क्या है डिग्री टू है तो इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो हिअर वाई इज ओनली वेरिएबल एंड इट्स डिग्री इज टू गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन Hope you understood this much. Now I am giving you more questions. All those questions are textual questions only. So try and find out whether these equations are quadratic equation or not. Third one is y plus y square plus one upon y equals 2. Second one is x plus one upon x is equal to minus two. Third one is m plus two into m minus one equals zero. Here, 6 question m, square, m cube plus three m square minus two is equal to three m cube. ये सभी कुछ अलग ऑर्डर में दिया हुआ है इनको सभी को आपको ऑर्डर में लिखना है पहले ये नीचे का वाई को हटाना होगा यहां पे नीचे का एक्स है डिनोमिनेटर में वो भी हटाना होगा यहां पे मल्टीप्लिकेशन है इसको ये टर्म को इनडू करना होगा और वैसा करके पूरे टर्म्स को लेफ्ट में करके राइट में जीरो पहुंचाना होगा उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर इट इज क्वाटरटिक इक्वेशन और नॉट सो होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग लव यू ऑल विल मीट अगेन बाय बाय